राजा का एक हाथी था जिसने सबसे ज्यादा युद्ध जिताए। सबसे ज्यादा युद्ध जिताने वाला हाथी एक दिन बूढ़ा हो गया। उसको सह सम्मान एक जगह पर आराम करने के लिए छोड़ दिया। एक दिन जब वो पानी पीने गया तो तालाब में ऐसी जगह दलदल पे फंस गया जहां से निकलना मुश्किल था। राजा का कलेजा हिल गया। अरे रे मेरा फेवरेट हाथी रे, दलदल में फंस गया। खूब तरकीबें अपना ली। एक से एक मंत्रियों ने सलाह दे दी, रस्सों से खींचो, हाथियों से खींचो, और कुछ करो और कुछ करो, लेकिन वो नीचे जाए जाए, वो जितनी ताकत लगाए नीचे जाए जाए, खींचने की ताकत काम नहीं कर रही। राजा बेचैन हो उठा। राजा को रानी को चिंता होने लगी, जिसने हमें सबसे ज्यादा युद्ध जिताए, मेरा फेवरेट हाथी मर रहा है रे। ओहो, जितने में एक सबसे बूढ़े मंत्री ने सलाह दी, राजा कोई हथियार काम नहीं करेगा, कोई संसाधन काम नहीं करेगा, राजा इस हाथी को निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा जो 20 साल पहले करते थे। क्या करते थे? युद्ध का माहौल तैयार करो, यहां पर युद्ध की सेनाओं को लगा दो, नगाड़े बजवाओ, पूरे बिगुल बजवा दो। और वो बिगुल बजवाने के लिए राजा ने तैयारी की। जैसे ही ढोल नगाड़े और बिगुल बजना चालू हुआ, हाथी अपने अतीत में गया। मैं वो हूं जिसने ऐसे युद्ध जिताए। बिना रस्सी के हाथी बाहर आ गया। ताकत आपके अंदर भी है। बजाओ नगाड़े, बजाओ नगाड़े।